क्या आपने कभी भी पानी के किसी भी जानवर के साथ इस तरह डांस किया है? और जो सिलेंडर आप घर पर यूज कर रहे हैं, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं? इस तरह के अमेजिंग फैक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो गाइस, मायसेल्फ तमन्नम एंड आप देख रहे हैं तमन्नम टॉक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको ये पता है कि फ्रांस में एक ऐसी रोड बनी हुई है जिसको आप एक दिन में सिर्फ 2 times ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो 13 feet पानी के अंदर चली जाती है, मतलब उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। फैक्ट नंबर 6, आप सभी को पता है कि जो हमें टीवी पर एड्स मतलब विज्ञापन देखने को मिलता है वो 1 या 2 मिनट तक ही होता है, मतलब 1 या 2 मिनट के आगे उनको नहीं बनाया जाता। पर क्या आपको ये पता है कि दुनिया का सबसे लंबा टीवी एड 14 घंटे का है, जो कि 2018 में ब्राजील में बना था और वो सुबह के 6 बजे से चलकर रात के 8 बजे तक चला था। फैक्ट नंबर 5, एक सर्वे से ये पता लगा है कि कोका कोला की पूरे वर्ल्ड में एक दिन में लगभग 200 करोड़ तक बोतल सेल होती है। पर इसमें जबरदस्त फैक्ट ये है कि जब कोका कोला शुरू हुआ था तो उसके फर्स्ट ईयर मतलब ओनली फर्स्ट ईयर जब वो शुरू हुआ था, उसके शुरू होने पर एक साल में उसकी सिर्फ 25 मतलब 25 बोतल ही सेल हुई थी। फैक्ट नंबर 4, क्या कभी भी आपने किसी भी जानवर को मैथमेटिक करते मतलब 1, 2, 3 लिखते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। देखिए इस वीडियो में कैसे एक केकड़ा पेन से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख रहा है। आई लव दिस केकड़ा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको ये पता है कि जो वोडाफोन की एड में जो हमें करेक्टर देखने को मिलते हैं वो कोई एनिमेटर नहीं बल्कि रियल पर्सन होते हैं जिन्होंने डिजाइनदार कपड़े पहने होते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या कभी भी आपने इस तरह का सांप देखा है? पर हम आपको ये बता दें कि ये सांप असली नहीं है बल्कि ये एक फूल है जो सिर्फ हिमालय में ही पाया जाता है। हिमालय में ये खिला नागपुष्प बरसों बाद दिखाई देता है और ये पुष्प शेषनाग की तरह दिखता है जो करीब 36 सालों में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, आज के समय में गैस सिलेंडर सभी के घर में है पर किसी को भी ये नहीं पता कि उस पे जो ये लिखा होता है, जो ये नंबर्स होते हैं वो क्यों लिखे होते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि गैस सिलेंडर की भी एक्सपायरी डेट होती है। जब भी मार्केट में कुछ भी लेने जाते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके ही उसे बाय करते हैं, पर जो चीज आपके घर में खुद डिलीवर हो रही है आप उसकी एक्सपायरी बिल्कुल भी चेक नहीं करते। जो सिलेंडर पर नंबर्स लिखे होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि सिलेंडर कब तक हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब इससे कोई खतरा नहीं है। जो सिलेंडर पर इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ है वो हमें मंथ के बारे में बताता है कि कौन से मंथ में ये सिलेंडर एक्सपायर होगा, और इंग्लिश के 4 ही अल्फाबेट ABCD ये चारों ही इसके यूज में आते हैं, और हर एक अल्फाबेट क्वार्टर ऑफ ईयर मतलब 3 मंथ के बारे में हमें जानकारी देता है। से ए जनवरी टू मार्च, बी अप्रैल टू जून, सी जुलाई टू सितंबर, डी अक्टूबर टू दिसंबर। जैसे मान लीजिए सिलेंडर पर C17 लिखा है, मतलब सी का मतलब है जुलाई टू सितंबर, मतलब सितंबर तारा का मतलब है 2017, मतलब सितंबर 2017 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप उसके बाद भी इसको यूज करते हैं तो इसके अधिक से भी अधिक चांसेस हैं उसके ओवरयूज से जो ब्लास्ट जो खतरा डैमेज होगा। अगर आपको एक्सपायर सिलेंडर डिलीवर किया जा रहा है तो आप तुरंत उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और साथ में एक छोटा सा बेल आइकन भी होगा उसको भी दबा दबा प्रेस करना था, जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं वो आपको मुझसे भी पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।